वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, आपको दिखाऊंगा कारोन व्यू पॉइंट जो कि फुकेट में है, थाईलैंड में। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ से पूरा यानी कि फुकेट जो बीचेस जितनी भी हैं वो नज़र आती हैं, काफ़ी अच्छा व्यू है। और उसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगा बिग बुद्धा टेंपल। बिग बुद्धा टेंपल में इसलिए नहीं जा रहा कि मुझे कोई पूजा वूजा करनी है, बल्कि मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, टेम्पल बनाते हैं ऊँची जगह पर हैं। तो अभी मैं क्या करने लगा हूँ, सबसे पहले आपको ये मंज़र दिखाने लगा हूँ। तो ये देखें काफ़ी खूबसूरत है, और अगर आप इसका और मज़ा उठाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि आपने 10 थाई बात क्या करने हैं, 5-5 के 2 सिक्के आपने इसके अंदर डालने हैं। तो जो इसकी 2 नन्ही सी छोटी सी आंखें हैं ये खुल जाएंगी, और इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, मज़ीद जो है ना एक्सप्लोर कर सकते हैं इस सारे एरिया को। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब चल पड़ता हूँ जी उस तरफ बिग बुद्धा टेंपल पे, क्योंकि मैंने कहा था कि वो भी एक अच्छा फ़ोटो शूट या फोटोग्राफी के लिए एक अच्छा पॉइंट है। तो मैं उसकी तरफ जाता हूँ। और जो रास्ता है यार, रास्ता मतलब बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अमेजिंग है। और यहाँ रास्ते में एक छोटी सी बीच है, तो वो मैंने कहा बीच भी थोड़ी देर 10-15 मिनट बैठ जाऊँ, और उसके बाद यहाँ इस बीच का मज़ा उठाते हुए तो मैं क्या करूं, फिर ऊपर बिग बुद्धा टेंपल की तरफ चला जाऊं। और काफ़ी पीसफुल बीच है क्योंकि दोपहर का टाइम है और काफ़ी यहां पे कम लोग हैं, यानी कि बहुत ना होने के। अगर आपको प्राइवेसी पसंद है तो ये आपके लिए अच्छी तरह है। तो अब मैं क्या करता हूं जी, फौरन मैं यहां से निकलता हूं और दोबारा से अपने सफ़र के स्टार्ट करता हूँ। जब सफ़र के दौरान ना मुझे अभी एक चीज़ नहीं पता चली, वो क्या पता चली है, ये हाथी। तो क्योंकि थाईलैंड का मतलब आप सुनेंगे, या आप टी शर्ट या कुछ भी लेंगे तो वहाँ पे हाथी 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 चैंग जिसे कहते हैं वो हर जगह आपको मिलेगा। थाई लैंग्वेज में मतलब एलिफेंट को जो कहते हैं या हाथी को कहते हैं वो चैंग कहते हैं, और चैंग नाम की यहाँ बियर भी मशहूर है। तो इन्होंने क्या किया हुआ यहाँ पे, आप मतलब जब आप बिग बुद्धा की तरफ जा रहे होते हो फुकेट में, तो बीच में इन्होंने ये हाथी खड़े किए हुए हैं। तो आप इनके ज़रिए सफ़र करके इनके अंदर का जो एरिया है ना, तो काफ़ी जंगलात हैं, ये पूरा पहाड़ का इलाका है, तो आप जंगलात को जाके एक्सप्लोर कर लेंगे। मैं क्या करने लगा हूँ, मैं मतलब राइड नहीं करने लगा, वही आप इनको पे करोगे फिर ये कहेंगे हमारा बिजनेस चल रहा है, फिर ये और लगाएंगे, तो एनिमल हर्ट आई थिंक नो नीड। तो हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आपका भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि यार आप इसे इन्जॉय ना करो, इन्जॉय करो ज़िंदगी को जिस तरीके से, क्योंकि मुझे अगर खुशी इस चीज़ में मिल रही है कि मैं एनी के मल को देखूं, उनके ऊपर ना चढ़ूं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं हाथी को हाथ मिला लिया, हाथी को हाथ, काफ़ी एक अच्छी लिरिक्स बन गई, मैं यानी कि कंपोज़र भी बन सकता हूँ किसी गाने का। तो ये देखें जी, ये है बिग बुद्धा टेम्पल, और ये बहुत बड़ा टेम्पल है, क्योंकि इनका ये होता है कि जो भी चोटी होती है, जो भी ऊंचा पहाड़ होता है, ये बिग बुद्धा टेंपल बना देते हैं, क्योंकि इनका ये होता है कि क्योंकि गॉड का इनका कॉन्सेप्ट है, जो इनका बुद्धा था, तो ये है कि पूरे शहर को देख रहा है, लेकिन हमारे लिए वो एक अच्छा पॉइंट बन जाता है देखने के लिए। और ये देखें पत्थर से, जैसे पिछले ज़माने में जो टायर वायर चलते थे या पत्थर की जो कटाई होती थी, उस तरीके से इन्होंने क्या किया हुआ है, उसको सजा के रखा हुआ है। उसके अलावा क्योंकि थाईलैंड है बुद्धप्रस्त लोगों की ये जो मुल्क है, तो यहाँ पे इसलिए आपको हर जगह बुद्धा के और काफ़ी कृष्णा, और मतलब ये हिंदू का भी कुछ इनका कॉन्सेप्ट है ना, तो उसको भी मानते हैं। तो ये भी एक इनका प्रे का सिस्टम है, ये जो टुन 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 करी जा रहे हैं, ये कोई जंग नहीं छिड़ गई कि आवाम को बुलाने के लिए ये किया जा रहा है, बल्कि ये सिर्फ इनका एक मतलब पूजा करने का तरीका। और ये वो पॉइंट है जहाँ से आप अच्छी सेल्फी ले सकते हैं, जैसे हमारे इस्लामाबाद में दामने को है, क्योंकि रिसेंटली मैं दामने को से आके आया था इधर थाईलैंड में, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग भी जाएं, अगर आपने इस तरह का व्यू देखना है तो दामने को भी इस तरीके से दिखता है। तो ये रहा, काफ़ी सारा बड़ा है, और मैं जाके इसके थोड़ा सा ना करीब जाके देखता हूँ। क्योंकि लोग इतने से देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो देन यू कैन लाइक माई वीडियो डेफिनेटली एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू सून, टेक केयर। इट्स सो पीसफुल प्लेस, बिग बुद्धा टेंपल। You can view the full city view of Phuket. So, bye bye.